सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने मेरी अगली वाली वीडियो देखी होगी निकोटेक्स के ऊपर, जो एक प्रकार का निकोटिन टेबलेट जो आती है, गम जो आता है, चुंगम जो आती है, खास करके जो नशे है, जो सिगरेट या फिर तम्बाकू का जो नशा करते हैं या जिसकी लत होती है उसको छुड़वाने के लिए खास करके जो बनाई जाती है सिप्ला कंपनी के द्वारा। तो आज की वीडियो में दोस्तों सेम ड्रग सेम कंटेंट की जो बात करूंगा, निर्मल जन औषधि द्वारा बनाई जाती है, काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकती है दोस्तों, सिर्फ 40 रुपये में आती है। तो इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे आज दोस्तों। सेम ड्रग है, कोई फर्क नहीं है, सिप्ला ये भी कंपनी सिप्ला द्वारा बनाई जाती है, यानी कि एक अजीब सी बात है, सिप्ला कंपनी इसको सप्लाई करती है। तो सेम ड्रग है, सेम कंटेंट है, तो सेम इफेक्ट होगी, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये ब्रांड नहीं है, सिर्फ जेनरिक है, जन औषधि द्वारा ये बेची जाती है जन औषधि स्टोर पर। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल और आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में जन औषधि की निर्मल भारतीय जन औषधि परियोजना। तो दोस्तों मेरी अलग से बहुत सी वीडियो है भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि जन औषधि केंद्र की दवाइयां जो होती है जेनेरिक दवाइयां, उस पर भी बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बाज़ार से मिलती है। तो ये एक नई नई दवाई जो बनाई है जन औषधि द्वारा, निर्मल करके नाम है जिसका कंटेंट है निकोटिन, यानी कि बाज़ार में जो मिलती है सिप्ला कंपनी की निकोटेक्स, उसकी सेम ये दवाई है। और ये आश्चर्य की ये बात है दोस्तों, यहाँ पर वही सिप्ला कंपनी यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करके इसको सप्लाई करती है, यानी कि भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर जो BPPI जो इसका जो संभालते हैं, यानी कि पूरा हैंडलिंग करते हैं, तो उसी को ये दवाई सप्लाई करती है, सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। तो यानी कि इसका रिजल्ट में कुछ कहने के लायक है नहीं, क्योंकि सिप्ला कंपनी बनाती है, वो निकोटेक्स जो आती है वो भी सिप्ला कंपनी की उसी की ब्रांड है, और ये सिर्फ जेनेरिक है, फ़र्क इतना ही, इसका कोई मार्केटिंग का खर्च नहीं लगता है। वो जो निकोटेक्स जो है सिप्ला द्वारा जो बनाई जाती है, दूसरी जो निकोटेक्स ब्रांडेड जिसका मार्केटिंग होता है, जिनके कारण वो महंगी है, और ये काफ़ी सस्ती है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इसकी MRP है 40 रुपये, और वो जो आती है 70 रुपये के आसपास आती है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलती है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा भारतीय परियोजना, यानी भारतीय जन औषधि का ये काफ़ी अच्छा साहस है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ ये स्टार्ट कर देनी चाहिए किसी को भी, अगर ऐसी सिगरेट तम्बाकू की लत है तो। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाहर जो है इसका 2 mg में देख सकते हैं 9 sugar-free गम, यानी कि शुगर फ्री है दोस्तों, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उसको भी ये ली जा सकती है। और मिंट फ्लेवर में आती है, सेम ही बनाया गया। डोजेज की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं निकोटिन इसके अंदर डाला गया है 2 mg का, ये 2 mg में 4 mg में अलग से आती है। इसका डोजेज तो मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि BPPI द्वारा मार्केटिंग किया जाता है, भारतीय जन औषधि का लोगो है, यहाँ पर MRP 40 रुपये है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर किस प्रकार की दी गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं सेम सिप्ला की है, तो सेम ही पैकिंग में सेम ही दवाई दी गई है, काफ़ी अच्छा पैकिंग भी बनाया गया है। तो दोस्तों मैंने उसका निकोटेक्स जो वीडियो बनाया है उस पर जो उसके अंदर काफ़ी जानकारी पूरी डिटेल में उसकी बात की है दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर इसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर पूरा लीफलेट भी नहीं दिया गया है, तो आप उसको अगर उस वीडियो को देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। वैसे तो दोस्तों कुछ नया नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने बात की है। तो देख सकते हैं जो भी सिगरेट पीते हैं तो इसके लिए तंबाकू सिगरेट का जो लत होती है उसको जो निकोटिन जो ड्रग होती है इसके अंदर, तो उनके कारण जो उसकी लत होती है, जो तंबाकू में पाया जाता है एक्टिव जो दवाई होती है, एक प्रकार की ड्रग समझ लीजिए, जिनके कारण उसको नशा होता है, तो उसको छुड़वाने के लिए निकोटिन का डोज दिया जाता है 2 mg में। इसका डोज दोस्तों इस प्रकार से दिया जाता है, इसका स्टेपिंग किया जाता है, स्टार्ट में उसको जैसे कि दिन के सप्ताह के अंदर जो देखे तो पहले सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में, इस प्रकार से आपको 12 सप्ताह तक इसको लेना है। और शुरुआती सप्ताह में स्टार्ट करें अगर आप 9 से या फिर 12 कम से स्टार्ट कर सकते हैं, वो 1 या 1.5 घंटे में आप उसको ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी तलब होती है उस प्रकार से आप उसको लेना है। लेने का भी यहाँ पर तरीका आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि चू इट स्लोली टिल यू गेट द टेस्ट ऑफ निकोटिन, यानी कि इसको चबाना है चिंगम की तरह, इसकी होता है चिंगम जो होता है इसी प्रकार से चबाना है। और दोस्तों जब आपको इसका टेस्ट लगता है निकोटिन के जैसा, जैसा आपको लगता है कि बस निकोटिन मतलब एक प्रकार की जो सिगरेट के अंदर तलब से आपको जो मिलता है उस प्रकार से आनंद मिल जाता है, तो तुरंत इसको आपको मसूड़ों के बीच में रख देना है, दांतों और मसूड़ों के बीच में उसको फिर से चबा मतलब एक साइड रख देना है, फिर से अगर आपको जब तलब लगती है तो फिर से उसको चबाना शुरू कर देना है। इस प्रकार से आप रिपीट करना है वही स्टेप को बार बार, इस प्रकार उसको एकदम से तुरंत मतलब एक मुंह में डालकर पूरा ये उसको चबाना नहीं है, जैसे ज़रूरत पड़ती है जैसे आपकी जो इच्छा होती है उसको उसी प्रकार से उसको चबाना है, फिर उसको यहाँ पर साइड में रख देना है, यानी कि मुंह के अंदर मसूड़े व स्किन जो आपकी होती है साइड में वहीं पर रख देना है दबाकर, जैसे तम्बाकू हम दबाते उसी प्रकार से इसको रख देना है। इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। और बताया इस प्रकार से स्टेपिंग करना है, यानी कि जो पहले सप्ताह में आप लेते हैं
दिन को ये जैसे 9 तो अगले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह जब स्टार्ट होता है तो आप इसको 8 कर देना है, फिर से तीसरे सप्ताह में आपको इसको 7 करने है, यानी कि दिन को 7 लेना है। इस प्रकार से आप स्टेपिंग करते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो 12 सप्ताह तक अगर आप किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार सिगरेट अगर पीते हैं, एक्टिव आप एकदम एडिक्ट होते हैं, उसकी लत होती है आपको, तो भी धीरे धीरे करके लास्ट सप्ताह में एक ये गम आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको बंद कर देना है धीरे धीरे, एकदम से इसको बंद नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेपिंग करके इसको यूज़ करना है। इस प्रकार से आप रहते हैं तो आपका जो नशा है जो तंबाकू सिगरेट का, वो तो ऑफकोर्स छूट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जन औषधि के निर्मल जो गम आता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है दोस्तों। निकोटिन का गम होता है, मिंट फ्लेवर में आता है, काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी कुछ कहने लायक नहीं है क्योंकि सिप्ला कंपनी बनाती है इसको। तो आशा करते वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।